इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आप सभी माइनक्राफ्ट सर्वर के अंदर फाइल्स एंड वर्ल्ड को किस तरह से अपलोड कर सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो सबके साथ? मैं आप सभी का दोस्त रेसिंग रफ्तार एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके। तो इसके लिए मैं दो सर्वर्स का यूज करूंगा। एक मैं यूज करूंगा एटनोस का, जिसका यूज ज्यादातर प्लेयर्स करते हैं माइनक्राफ्ट के लिए। एंड इसके अलावा मैं एक पैड सर्वर भी यूज करने वाला हूँ, जिसमें मैं यूज करूंगा वर्चुअल वाला। एंड पीसी का सेटअप मैं आज नहीं बताने वाला, बिकॉज मैं मोबाइल का आज बताने वाला हूँ। तो मोबाइल में ये दोनों वेबसाइट से अगर सर्वर बनाते हो आप सभी, तो ये दोनों मोबाइल से भी आप सभी पैक्स अपलोड कर पाओगे इसके अंदर। तो इसलिए मैंने आज इन दोनों को लिया है। गाइस यहाँ से आप सभी देख सकते हो मैं आ गया हूँ मेरे एटनोस के सर्वर में। तो ये फ्री होता है, आप सभी को पता है, आप सभी फ्री में यहाँ से सर्वर बना सकते हो। इसके मैंने पहले वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। तो इस एटनोस से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कि कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही ना तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सभी को समझ में आ जाएगी, यहाँ पे सारी चीज़ें इजी है, तो समझ में आ जाएगा आप सभी को। तो आप सभी को ऊपर थ्री लाइन दिख लिया लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्वर से रिलेटेड सारी फाइल्स आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर आप सभी को उनके बारे में नहीं पता तो मैं वो भी बता सकता हूँ आप सभी को, अगर आप सभी मुझे कमेंट करोगे कि यार किसी भी चीज़ को अगर आप यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप अपने सर्वर्स के अंदर पैक डालना चाहते हो, या फिर टेक्सचर पैक, कोई भी आप सभी पैक डालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पे फाइल्स, इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सर्वर्स की फाइल्स खुल जाती है। देख सकते हो यहाँ से जेएसएन फाइल्स है, इसके अलावा पैक्स है, परमिशंस है, इसके अलावा सर्वर प्रॉपर्टीज है। सर्वर प्रॉपर्टीज पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जिनको आप सभी अपने सर्वर्स के अंदर, यानी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड की सेटिंग है। देखो व्यू डिस्टेंस आ गया, स्लॉट्स आ गए, सर्वर में जितने आप प्लेयर रखना चाहते हो, गेम मोड आ गया, डिफिकल्टी, वाइट लिस्टिंग एंड अलो लिस्ट, क्रैक्ड, इसमें क्रैक भी है, ये बहुत अच्छा है। ओके, रिसोर्स पैक रिक्वायर्ड। अगर देखो ये रिसोर्स पैक रिक्वायर्ड क्या होता है, इसका मतलब ये है, मान लो आप सभी ने कोई सर्वर बनाया एंड उसके अंदर आप सभी ने कोई थीम लगा रखी है, या फिर कोई यूआई लगा रखी है, या फिर कोई पैक उसमें डाल रखा है। अब आप चाहते हो कि आपके दोस्त या फिर सर्वर में प्लेयर भी आप सभी बुलाना चाहते हो, एंड आप सभी चाहते हो कि उनको ज़रूरी हो वो पैक डाउनलोड करना, या फिर उस पैक के साथ खेलना ज़रूरी हो, तो आप सभी को इसको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब उस प्लेयर को डाउनलोड करना ही पड़ेगा, अगर आप सभी ने सर्वर के अंदर कोई पैक लगा रखा है, जो भी लगा रखा है आप सभी ने। ओके, तो यहाँ से अगर आप इसको ऑन करते हो तो उसको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, उसके बगैर वो सर्वर नहीं खेल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यार, आप सभी को इतना बड़ी बात है नहीं इसमें। तो बैक करेंगे यहाँ से हम फिर से। ओके, तो हम जाएंगे यहाँ से वर्ल्ड के अंदर जाके, यहाँ से आप वर्ल्ड को देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ से वर्ल्ड डाउनलोड भी आप सभी कर पाओगे, आपका वर्ल्ड है। तो हम फाइल्स डाउन अपलोड करेंगे तो आप जाएंगे पैक्स में, देख सकते हो पैक लिखा है ना, इसके अंदर आप सभी को क्लिक करना है। अब देखो दिस फोल्डर इज एम्प्टी, मतलब इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। तो यहाँ से हम एक फाइल अपलोड करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे अपलोड का साइन है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका वो फाइल्स का सेक्शन खुल जाता है, जहाँ से आप सभी इसमें फाइल डाल पाओगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड मैं जाऊँगा ZRC, और मैं आपके पास जो भी हो ना आप सभी को उसमें जाना है, और जहाँ पर भी आप सभी ने पैक्स को पटक रखा है, यानी आपके पास है, तो उसमें से आप सभी कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना। तो मैं आप सभी को ये टर्टल, जो टर्टल मैंने क्लाइंट आप सभी को दिया था, टर्टल क्लाइंट आप सभी को पता होगा टर्टल क्लाइंट के बारे में, तो ये क्लाइंट था माइनक्राफ्ट के लिए, इसको मैं आप सभी को अपलोड करके दिखाऊंगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, आप सभी देख सकते हो हमारा टर्टल पैक अपलोड हो रहा है इसके अंदर, एंड ही हो भी गया। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप सभी को बताऊँ, आप इसके अंदर फाइल्स बना भी सकते हो, जैसे यहाँ से आप सभी फोल्डर बना सकते हो अगर आपको बनाना है। ओके, एंड इसके ऊपर क्लिक करके आप फाइल बना सकते हो, तो दोनों चीज़ें भी बन जाती है। ये आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा, मान लो आप सभी ने टाइटल पैक है, इससे रिलेटेड एक और फाइल बनानी है, उसके अंदर आप सभी को कोई फाइल अपलोड करनी है, तो सबसे पहले फाइल बनाना, उसके अंदर उसको अपलोड आप सभी कर सकते हो। देख सकते हो हमारी फाइल यहाँ से अपलोड हो चुकी है, एंड अब हम सर्वर के अंदर जाएंगे, हमारे सर्वर के अंदर, एंड सर्वर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपका पहले से ऑनलाइन है सर्वर तो उसको रीस्टार्ट करना, ठीक है, नहीं तो ये पैक नहीं आएगा, उसको रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ से आप सबको पता है एटनोस में थोड़ा सा टाइम लगता है सर्वर्स को ऑनलाइन आने के लिए, तो ये ऑनलाइन आएगा तब तक मैं आप सभी को उसमें दिखाता हूँ, ठीक है, वर्चुअल में दिखाता हूँ। भाई काफ़ी जल्दी ऑनलाइन आ गया, तो हम लोग पहले वर्चुअल में देख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ कर लेंगे, ठीक है, फिर वर्ल्ड भी दोनों एक साथ देख लेंगे। गाइस आप सभी देख सकते हो मैं आ गया हूँ वर्चुअल के सर्वर में। अगर आपके पास पैड सर्वर है वर्चुअल का तो भी कोई बात नहीं, अगर फ्री है तो भी आप सभी अपलोड कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को नीचे आना है, एंड यहाँ से देख सकते हो एक्टिव बेडरॉक एडवांस लिखा है, आप सभी को क्लिक हेयर पर क्लिक करना है।
जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप सभी को एडोन्स डालने का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने डाल रखा है डेमेज इंडिकेटर, एक एडोन मैंने डाल रखा है। तो हम फिर से टाइटल क्लाइंट से हम डालेंगे। एंड ऐसा नहीं कि आप सभी कोई पैक नहीं डाल सकते, कोई भी आप सभी को जो भी आप सभी को डालना है डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आप सभी को। एंड यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर अच्छी तरह समझाया गया कि कौन से पैक आप सभी को डालना है। सपोर्टेड जिप, MC एडोन, MC पैक एंड MC वर्ल्ड डाल सकते हो। इसके अलावा जो भी फाइल्स होगी ना उसको वो नहीं काम करेगी इधर आप सभी को, उसको जिप बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो, या फिर MC वर्ल्ड या फिर MC पैक इस तरह से MC एडोन बनाना पड़ेगा, उसको रीनेम कर देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ईजिली हो जाता है। तो सेलेक्टेड फाइल के ऊपर क्लिक करना है, सेम वही प्रोसेस का होने वाला है। हम सेम उसी जगह पर जाएंगे एंड अपलोड करेंगे हमारे टर्टल क्लाइंट को। जैसे तो ये रहा, इजीली आप सभी कर सकते हो, इजीली हो जाता है ये काम, देख सकते हो हमारा हो गया। इसके बाद इसको यहाँ से एक्टिवेट करना है, जैसे आप एक्टिवेट करोगे तो हो गया। एंड फिर इसे बैक करना है, आप सभी को सर्वर्स के अंदर जाना है एंड इसको करना है रीस्टार्ट। कोई बड़ी बात नहीं, आप इजीली कर सकते हो। इसमें देख सकते हो रीस्टार्ट करना है, या फिर सर्वर ऑनलाइन है तो रीस्टार्ट करना है एंड ऑफलाइन है तो आप सभी ऑनलाइन बना सकते हो इसको। तो आप सभी देख सकते हो यहाँ से हमने पैक डाल दिया एंड यहाँ पर दिखेंगे वर्चुअल के यहाँ पर दिखते हैं। जैसे तो एक डैमेज एंड टर्टल क्लाइंट दोनों एक्टिवेट है दिख रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम सर्वर्स भी कनेक्ट करके देख लेते हैं एक बार कि ये आ रहा या नहीं आ रहा। देख सकते हो हम लोग सर्वर के अंदर आ गए एंड आप सभी देख सकते हो हमारा सर्वर भी ऑनलाइन है। तो इसको कनेक्ट करते हैं एंड प्ले करते हैं हमारे सर्वर को एंड देखते हैं हमने जो पैक अप्लाई किया था वो आया है या नहीं आया। आप सभी खुद देख सकते हो यहाँ से हमारा टर्टल क्लाइंट एक्टिवेट है, देख सकते हो आप खुद देख सकते हो। तो इस तरह से आप सभी को कोई भी पैक अपलोड करना है तो कर सकते हो इजीली आप सभी अपने सर्वर के अंदर। तो हमने कर दिया टर्टल क्लाइंट को एक्टिवेट, हम अभी टर्टल क्लाइंट का यूज़ भी आप सभी कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह देख सकते हो एंड अरे भाई साहब, भाई शक्तिमान बना दिया मेरा इसने। सो गाइस, अब हम बात करते हैं आप सभी किस तरह से माइनक्राफ्ट सर्वर्स के अंदर वर्ल्ड्स को अपलोड कर सकते हो। तो वर्ल्ड को अपलोड करूँ उससे पहले मैं आप सभी कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे अगर बात करूँ मैं एटरनोस की, तो इसके अंदर आप सभी को एक्सपेरिमेंट फीचर्स यहाँ इसे ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। देखो जो कस्टम बायम्स है, केवन क्लिप्स है, फ्रेमवर्क, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। तो आप यहाँ से सारों को ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगी मैं आप सभी को वो बता दूंगा अभी। एंड अगर मैं बात करूँ दूसरे सर्वर्स की, उसके अंदर अगर ये फीचर्स ना हो एंड अगर आप सभी इनको ऑन करना चाहते हो अपने वर्ल्ड के अंदर, उसके लिए क्या करना चाहिए वो अब हम देखते हैं। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि किसी सर्वर के अंदर वर्ल्ड को किस तरह से अपलोड करना चाहिए। तो मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप सभी देख सकते हो कोई मतलब ऐसा वर्ल्ड बना रहे हो उसके अंदर आप सभी आगे जाके पैक्स भी अप्लाई करोगे, मतलब टेक्सचर पैक तो छोड़ दो एंड ऐसी चीज़ें जैसे रिसोर्स पैक्स भी होता है एंड बिहेवियर पैक्स भी होते हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, एक्सपेरिमेंट फीचर्स का ऑन होना जरूरी है उसके लिए। तो आप सभी को सबसे पहले एक चीज़ करनी चाहिए यहाँ से, जिसमें आप सभी को आगे दिक्कत ना हो। वैसे जो मैं बताने वाला हूँ उसको ऑन करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, मुझे पता है आप सभी यही बोलने वाले हो मुझे, लेकिन मैं जो बताऊँगा उसकी उस ट्रिक से आप सभी उस चीज़ को जल्दी से कर सकते हो, बाद में आप सभी को दिक्कत नहीं होगी। देखो एक काम करना है आप सभी को, यहाँ से आप सभी को नीचे आना है, सबसे पहले आप सभी को एक वर्ल्ड क्रिएट करना है। यहाँ से आप सभी को जिसको ऑन करना है सबसे यहाँ से ऑन कर दो, ठीक है। देखो यहाँ से ऑन कर दो जिसको भी आप सभी को ऑन करना है। तो हमने सारे फीचर्स को ऑन कर लिया, अब हम एक वर्ल्ड बनाते हैं, ठीक है। हम इसी वर्ल्ड को अपलोड करेंगे उसके अंदर, बिकॉज इस वर्ल्ड में हमने ये एक्सपेरिमेंट फीचर्स को ऑन कर रखा है। अगर आप किसी सर्वर के अंदर डायरेक्ट वर्ल्ड बनाते हो तो उसके अंदर ये चीज़ें ऑफ होती है एंड इनको फिर कंसोल के अंदर ऑन करना पड़ता है, जो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आप सभी के लिए जो नहीं जानते हैं उसके लिए। तो यहाँ से सबसे पहले इनको ऑन कर देना ताकि आप सभी को आगे आपके वर्ल्ड में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इजीली हम हमारा काम यहाँ पे होने वाला है। तो हम लोग आगे हैं वर्ल्ड के अंदर, सबसे पहले तो एक वर्ल्ड क्रिएट करना है हमको और कुछ भी नहीं करना। तो हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है, आप सभी देख सकते हो। और जैसे ये क्रिएट होता है तो आप सभी उसको 7 कर देना। इसके बाद इस वर्ल्ड की हमको एक जिप फाइल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक वर्ल्ड की एक जिप फाइल बना लेते हैं हम लोग। तो आप सभी को अपना फाइल मैनेजर ओन करना है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे एंड्रॉइड पे क्लिक करना है, डाटा पे क्लिक करना है एंड नीचे स्क्रॉल करके माइनक्राफ्ट फोल्डर के अंदर आप सभी को जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हो ये रहा माइनक्राफ्ट फोल्डर, यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, फाइल्स के क्लिक करेंगे गेम्स के अंदर .mojang के ऊपर एंड यहाँ से हम क्लिक करेंगे वर्ल्ड्स के ऊपर, ठीक है। तो ये रहा हमारा वर्ल्ड, आप सभी देख सकते हो ये मोजेंग है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है जो आपकी वर्ल्ड के अंदर होती है, तो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो वर्ल्ड ये है रहा हमारा वर्ल्ड जो हमने अभी क्रिएट किया था, देख सकते हो। इसको आप सभी को सबसे पहले जिप बनाना है, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। अगर आपके पास ZRC हो रहा है तो कंप्रेस टू जिप के ऊपर क्लिक करना है एंड इससे आप जिप बना सकते हो इजीली। तो इसको आप सभी को फिर कट करना है, आप सभी इसको कहीं और रख सकते हो। तो मैं इसको डालने वाला हूँ इस वाले फोल्डर में अभी के लिए। तो
यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसको अपलोड करते हैं अपने सर्वर के अंदर। गाइस आप सभी देख सकते हो हम लोग एयरटेल नोट्स में आ गए हैं एंड यहाँ से आप सभी को थ्री लाइन पे क्लिक करना है एंड जाना है वर्ल्ड में। देखिए ये रहा वर्ल्ड, इसके अंदर आप सभी को जाना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर डाउनलोड एंड अपलोड का ऑप्शन आप सभी को मिल जाएगा। ओके इसके ऊपर अपलोड के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सभी को फोल्डर एंड जिप करेंगे अपन फोल्डर। आप फोल्डर भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे अब फोल्डर का ऑप्शन भी आ गया। तो हम उसी को दोबारा से लाएंगे एंड इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ से हम इसके अंदर जाएंगे, ये हमारा वर्ल्ड ये रहा। तो बस इजीली आप सभी अपलोड कर देना अपना वर्ल्ड, कुछ भी नहीं करना आप सभी को, इजीली आपका काम हो जाएगा। तो हमारा वर्ल्ड अपलोड हो चुका है, आप सभी देख सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन लिखा है जिसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सभी यहाँ पर सारे अपने वर्ल्ड की सेटिंग को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ से हमने देखा कि आप सभी माइनक्राफ्ट सर्वर्स के अंदर वर्ल्ड को किस तरह से अपलोड कर सकते हो। तो हमारा वर्ल्ड अपलोड हो गया एंड एक बार फाइल्स को भी हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ से सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं, हम जाएंगे फाइल्स के अंदर। तो हम जाएंगे पैक्स के अंदर एंड यहाँ पर टाइटल क्लाइंट पहले से एक्टिवेट है। सो इस तरीके से आप सभी अपने सर्वर्स के अंदर फाइल्स एंड वर्ल्ड्स को अपलोड कर सकते हो। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी आप सभी की क्वेरी है, क्वेश्चंस है, तो आप मेरे को कमेंट जरूर से कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर से दूंगा। तो आई थिंक आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, इसको सब्सक्राइब भी कर देना एंड मैं बोलूँगा आप सभी को ऐसे कमाल के एक वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।